Alright, so last हमने कुछ videos बनाए थे Realme C55, Realme Narzo N55, Realme Narzo N53, काफी सही फोन थे तीनों ही। और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि Realme C55 और Vivo T2X में से कौन सा फोन लेना चाहिए, और उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि Samsung Galaxy F14 ले लो। अब और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जहां पे Samsung Galaxy F14 का जो है कहीं ना कहीं पर जिक्र हो रहा है का, सो आई थॉट कि इस फोन को कवर करना चाहिए, बिकॉज हमने सैमसंग गैलेक्सी की इस सीरीज हमेशा कवर की है, मतलब वो 12 हो, A12 हो, A13 हो, A14 हो, A23 हो, A22 हो, या फिर A34 हो, तो यार इस सीरीज कंप्लीट हमने कवर की है। सो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना F14 पर भी काम किया जाए। सो हियर वी गो, यहाँ पे ये है सैमसंग गैलेक्सी F14, और A14 जो हमने टेस्ट किया था ये उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम ही फोन है, लेकिन हाँ हल्के फुल्के कुछ कुछ डिफरेंस जरूर है जो कि मेजर डिफरेंस की तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले चीज, यहाँ पे उस फोन में 3 कैमरास थे, इस फोन में यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के एक कैमरा है, ये ऊपर की साइड पे, और नीचे है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। और आई डोंट नो व्हाई कि अभी के जितने भी फोन्स आ रहे हैं, इवन कुछ कुछ फोन तो 20,000 के प्राइस पॉइंट में भी 2 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, और 2 ही कैमरा होता है उसके अंदर, जिसमें से एक 108 मेगापिक्सल का होता है या फिर 64-50 जितना भी हो, और दूसरा 2 मेगापिक्सल का होता है। सो अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो के साथ में बता रही क्या दुश्मनी होगी कंपनीज की, सब हटा रहे हैं। तो लास्ट जो 3 फोन चेक किए C55, N55 और N53, उनके अंदर भी सेम स्पेसिफिकेशन थी, 2 कैमरास थे तीनों फोन्स के अंदर, और एक जो था वो 2 पिक्सल का कैमरा था, और यहाँ भी सेम जो है सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सो डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट हेट इट, मुझे ये चीज पर्टिकुलर पसंद नहीं है। अल्ट्रा वाइड एटलीस्ट होना चाहिए फोन के अंदर, भले थोड़ा सा ठीक ठाक दे दो, लेकिन होना चाहिए, हम बाकी का एडिटिंग में संभाल लेंगे। एंड देन यहाँ पे ये है प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, यहाँ पे फोन जो है साइड से कर्व्ड है चारों तरफ से, इवन कॉर्नर से भी कर्व्ड है कम्प्लीटली, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पे। यहाँ पे दिया हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, वॉइस ब्लॉकर हमेशा की तरह, एंड देन यहाँ पे स्पीकर टाइप सी और ह्यूमन पैरेंट चेक भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज अ गुड पॉइंट। यहाँ फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड आपको बता देता हूँ, सो इट इज यस, कभी भी फेल भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये चीज बिल्कुल बता देता हूँ आपको, और काफी ज्यादा स्लो है, और ये मैंने काफी टाइम में देखा है कि कोई फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो चल रहा हो, और लास्ट जैसे मैंने जो याद आ रहा है C55 काफी फास्ट प्रोसेस, काफी फास्ट हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर था उसका, और कंपैरेटिवली बहुत स्लो। सैमसंग को बताएं क्या है इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब नीचे की साइड पे बड़ा सा बेजल, सो ये चीज यहाँ पे भी है, A14 में भी थी, वहाँ पे भी मेंशन की थी। अगर मैं कंपेयर करूँ C55 के साथ पर्टिकुलर जो हमने लास्ट टेस्ट किया उसके अंदर 11 जगह फोन है पाइदर वो, लेकिन पंचो डिजाइन है और लिटरली बहुत ही थिन बेजल्स है नीचे की साइड पर, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। सो एक चीज और जो है मुझे पसंद नहीं है इस पर्टिकुलर फोन में, अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी वेट की, सो वेट भी काफी ज्यादा है, सो ये लगभग 208 ग्राम के आसपास में फोन है, सो यस इट इज अ हैवी फोन, लेकिन फोन जो है यहाँ पे कर्व डिजाइन के साथ में आता है, सो आराम से आप हैंडल कर सकते हो बिना कवर्स के भी, और यस आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चीज जो है पीछे प्लास्टिक काफी ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है, और जो यहाँ पे ये कर्वेचर्स दिए हुए उसकी वजह से और थोड़ा ज्यादा हो जाता है ये चीज, बट इस फोन को और इस फोन को एक हाथ से यूज भी कर सकते हैं, इवन तो फोन जो है वो बड़ा है, 6.7 इंच का फोन है ये, सो यस दैट इज अ बेस्ट फोन इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, सो यस आई डोंट लाइक इट। अब ये आ रहा है 2 वेरियंट्स के अंदर, पर्टिकुलर जो हमारे पास में यहाँ पे वेरियंट है वो है 6x28 वाला, और एक आता है 4x28 जो कि लगभग 13,500 के आसपास में, और 4x28 13,500 पे इट इज एक्चुअली अ गुड डील, बिकॉज बहुत कम फोन है, वीवो T2X दे रहा है और उसके अलावा ये फोन दे रहा है, और कोई नहीं है जो 6x28 दे रहा हो इस प्राइस पॉइंट पे, सो एक बार के लिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट इट इज अ गुड फोन। देन यहाँ पे बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकली डिस्प्ले के बारे में, तो सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी कि 13,500 के प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे 90Hz का ऑप्शन मिल जाता है, वही अडेप्टिव वाला है यहाँ पे, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सैमसंग के साथ में कि बहुत सारी जगह पे ये हम 90Hz का यूज कर सकते हैं, इवन आप यूट्यूब को 90Hz पे चला सकते हो, और बहुत सारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती है सैमसंग के पर्टिकुलर फोन के अंदर, आप बहुत सारी जगह पे 90Hz को चला सकते हो, यहाँ पे भी ये फोन अभी 90Hz पे चल रहा है। अब ये तो भी अच्छी बात है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर LCD पैनल दिया हुआ है पहली चीज, अब इसको आप मैक्सिमम जो है वो 1080p तक पुश कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते इस पर्टिकुलर फोन के अंदर, और हाल फिलहाल में जितने भी 5G फोन्स आए हैं सब 5G फोन्स के अंदर ये प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली दिखने के लिए मिली है, खासकर स्नैपड्रैगन 695 के साथ में, और प्लस इसमें HDR का ऑप्शन नहीं मिलता है, यानी आपको HDR कंटेंट देखना है तो आप नहीं देख पाओगे, 695 के अंदर सपोर्ट नहीं करता, और मैक्सिमम जो पुश कर सकते हो वो है यहाँ पर 1080p। सो यस ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और मैं वीडियो की क्वालिटी की बात करूँ, सो इट इज गुड, ओके नॉट दैट ग्रेट, व्यूइंग एंगल्स आर नॉट दैट ग्रेट एट द सेम टाइम, बट द स्पीकर क्वालिटी वो काफी सही लगी मेरे को यहाँ पे। एट द सेम टाइम हमने क्लेम करती है 480 Hz की पीक ब्राइटनेस, अब एग्जैक्टली मैंने बोलूंगा कि धूप का आपको क्लियर दिखाई देगा, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ब्राइटनेस ठीक है, तो डिस्प्ले के मामले में यस
फोन सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। कुछ कुछ चीजें मैंने बताई है, वो आप दिमाग में जरूर रखना। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि हम सबको पसंद है, इसके अंदर दिया हुआ है सैमसंग का एक्सिनोस 1330 1330। आप एग्जैक्टली हमने कुछ स्कोर यहाँ पे निकाल के रखे है, और टू बी ऑनेस्ट लास्ट टाइम जब मैंने इस 1330 एक्सिनोस के प्रोसेसर को चेक किया, काफी सही परफॉर्मेंस निकाल के दी थी, और ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही थी। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई जस्ट लव्ड इट। अब बता दो क्यों। सबसे पहले चीज, सिंगल कोर के अंदर 647 का स्कोर आ रहा है, बेंचमार्क्स की बात कर रहा हूँ, और मल्टी कोर के अंदर 1570 का, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी सही स्कोर है। एंड देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ F14 की, सो मैं C55 के बारे में बोल रहा था कि स्क्रीन काफी अच्छा है, उसी फोन के बारे में वापस बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली डबल स्कोर है उससे। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस यस इट इज अ गुड फोन। देन मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा स्कोर की, सो वहां पे बहुत ज्यादा निराशा हुई है, लिटरली 74 का यहाँ पे स्कोर आया। बट एक चीज अच्छी है, वो ये कि GIPS लिटरली 2 लाख के आसपास में, तो दैट इज ट्रू कि ये परफॉर्मेंस वाइज काफी सही प्रोसेसर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी सो यहाँ पे थोड़ा स्कोर में तो नहीं दिख रही है। सो 74 इट इज लाइक बिलो एवरेज। देन मैं बात करूँ सबसे फेवरेट एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 4.5 लाख का निकल के आया, और ये स्कोर इस प्राइस पॉइंट ब्रैकेट के अंदर दूसरे भी फोन निकाल के देते हैं, लेकिन एक्सिनोस के प्रोसेसर से पर्टिकुलरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दैट्स अ गुड पॉइंट। देन मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है वाइडवुड एल्बम मिलता है, सो यस हमने चेक किया, इट इज देयर, वाइडवुड एल्बम का सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलता है। एंड एज यू कैन सी हम यहाँ पे बीजीएम में प्ले कर रहे हैं, ग्राफिक्स सेटिंग्स को हाई पे रखते हुए फ्रेम रेट को भी हाई पे रख सकता हूं, दैट इज एक्चुअली गुड, प्रीटी गुड पॉइंट। अब बात करते हैं कि भाई हमें गेम में नहीं खेलता, भाई हमें नॉर्मली जो है वो टास्क करना है, यहाँ पे कुछ चीजें को एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो चलाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सो उसके अंदर कैसा है, सो डे टू डे लाइफ में ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस पर्टिकुलर स्कोर्स के साथ में, और अगर बीजीएम स्मूथली चला है इसने, सो यस इवन अगर मैं मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे एक साथ में ओपन करूँ, सो यस ये ओपन और आराम से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। सैमसंग की मल्टीटास्किंग आज सेट की काफी सही है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज वहां पे आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सो यस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट्स अ गुड फोन। एंड देन बात करता हूँ बैटरी लाइफ की, सो बैटरी के अंदर एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन एट द सेम टाइम एक बुरा पॉइंट भी है जो कि इसके बॉक्स के अंदर है। बता दो पहली चीज, 6000 mAh की बैटरी है, और ये चीज काफी सही लगी मेरे को। और अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो, लगभग आपका स्क्रीन ऑन टाइम लगभग मैं बोलूँ 10 घंटे तक का भी है ना, फोन आराम से दे देगा 2 दिन आपको, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप एक दिन में लगभग 4 से 5 घंटे भी आप फोन को यूज करते हो, जो कि मॉडरेट यूज नहीं, जो कि एक एडिक्टिव यूज है, तो भी आपको 2 दिन का बैटरी बैकअप एक बार के लिए दे देगा अगर आप गेम्स वगैरह नहीं खेलते हो। बट द प्रॉब्लम इज फोन के अंदर चार्जर है नहीं, तो लिटरली हमें वो चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। और स्पीड की बात करूं, 100 और 25 वोल्ट जो है मैक्सिमम सपोर्ट करता है। अब ये हमारी खजाने की चाबी गाइस, इसी के साथ साथ मैं बोल देता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, सो सपोर्ट गाइस, हम आपके लिए फोन लेके आते रहते हैं, इतना खर्चा करते हैं, सो प्लीज डू। तो ये हमारे खजाने की चाबी और ये हमारा खजाना। तो अभी यहाँ पे हमें फुल 3 का स्लॉट मिल जाता है, दोनों सिम लगा सकते हो और मेमोरी कार्ड भी यहाँ पे लग जाएगा। एंड देन बात करते हैं इसके कैमरा सेक्शन की, सो सैमसंग का फोन है, सो या बता दो क्या सीन है। सो फॉर फ्रंट कैमरा की बात करूँ, सो इंडोर कंडीशन के अंदर डिटेल्स आर गुड, लेकिन स्टिल मैं बोलूंगा फोटो हल्का सा सॉफ्ट साइड पे है इंडोर कंडीशन के अंदर, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे फोन के कंपैरिजन में काफी सही फोटोज निकाल के दिए। इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोर्ट्रेट की, पीछे साइड पे यहाँ पे देखो लाइट चल रही है, उसको भी अच्छे से बैलेंस कर लिया इसने, और फेस को काफी ब्राइटन अप कर दिया, और डिटेल्स काफी ज्यादा मेंटेन कर ली, तो मुझे काफी सही लगा इसके अंदर। देन बात करूँ आउटर कंडीशन के अंदर, लिटरली आई जस्ट लव्ड इट, फ्रंट कैमरा काफी सही है इसका, डिटेल्स और भी ज्यादा निकल के आ रही है, सॉफ्टनेस लाइक लिटरली गॉन। देन ये है आउटर कंडीशन के अंदर एक पोर्ट्रेट फोटो, डिटेल्स आर जस्ट देयर। और अगर बात करूँ उसके पोर्ट्रेट की, सो काफी सही से कैप्चर कर लिया, कोई भी मिस डिटेल नहीं, एक बार हल्का सा इसने ब्लर कर दिया हो, वो चीज यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, सो दैट इज एक्चुअली गुड पॉइंट। बट बैक कैमरा की बात करूँ, सो वहां पर थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, सो एग्जैक्टली सन जो है वो कैमरे के पीछे था, फोटो सही आनी चाहिए राइट। ये है एक नॉर्मल फोटो हो इसके फोन से, अगर डिटेल्स की बात करूँ यस इट इज राइट, बट एक्सपोज बहुत ज्यादा कर दिया है फोन ने इसको, और हमें ऑटो पे लिया है, नथिंग एल्स हमने कुछ नहीं किया, सो ये चीज यहाँ मेरे को बिल्कुल नजर आई, थोड़ा हल्का सा ओवर एक्सपोज्ड फोटो है, मैंने सोचा एक फोटो में हो सकता है। एंड देन दूसरी फोटो हमने निकाली जो कि पोर्ट्रेट में निकाली, अब बात करूँ पोर्ट्रेट की, सो काफी सही से डिटेक्ट कर लिया है, और ये चीज इस प्राइस पॉइंट में दूसरे फोन से एक्सपेक्ट नहीं होती। अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो बहुत पाली चिकाओ है, जैसे हाथ जैसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में वो हाथ को ब्लर कर देता है, फेस डिटेक्ट कर लेता है कि फेस ये है उसको ब्लर करना है, पर हाथ जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो वो ब्लर कर देता है, यहाँ पे एक उंगली को इसने सही से डिटेक्ट कर लिया, एंड दैट इज एक्चुअली अ प्रीटी गुड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट।
ये है 50 मेगापिक्सल कैमरा, 150 प्लस 2 है। सो डिटेल्स की बात करूं तो ये काफी ज्यादा मैं रिटेन कर लिया, अगर जूम भी करते हैं एक बार के लिए, तो काफी ज्यादा डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप उस चीज के लिए लेना है। 50 मेगापिक्सल का आप यूज कर सकते हो वहां पे। इन टर्म्स ऑफ कैमरा आई वुड से कि फोन सही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। जो ओवर एक्सपोज हो रखा है वो चीज यहाँ पे आप इसके इस डायलर से एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। और डिटेल काफी इसने मेंटेन कर लिया है फ्रंट कैमरा की भी और बैक कैमरा की भी। इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स आई जस्ट गुड, इट इज अ गुड फोन। सो यस, बात करते हैं कि क्या ये फोन रिलैक है या नहीं है। सो यप, आज फोन को ले सकते हो, बट मैं एग्जैक्ट यूजर बता देता हूँ कि आप किसको ये फोन लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, सोचो कि बैटरी लाइफ अच्छी है, एक अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है और कैमरा भी सही है, लेकिन डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा फोन सही नहीं है, इवन डिजाइन के मामले में थोड़ा फोन सही नहीं है। सो आप उस पर्सपेक्टिव में आते हो, आपको डिजाइन मैटर करती है, आपके लिए डिस्प्ले मैटर करती है, यानी डिस्प्ले कब मैटर करेगी, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखते हो या फिर आप सोशल मीडिया ज्यादा स्क्रॉल करते हो, सो काइंड आपको वो चीज ये फोन जो ज्यादा पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पावर यूजर, यानी कि आप गेमिंग करना पसंद करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करना पसंद करते हो या भी कोई भी हैवी यूज करना पसंद करते हो, और उसी के साथ साथ में कैमरा भी ज्यादा यूज करते हो और आप एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए, सो हियर वी गो, ये मैं कंसिडर कर सकते हैं एक तरीके से। और एक तरीके से आप फोटोज वगैरह खींचते हो, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हो, सो एक बार के लिए आप भी इस फोन को कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो गाइस काफी सही फोन था और आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ी चीजें इंप्रूवमेंट में आती थी। आप एक वाइड एंगल एटलीस्ट दे दिया होता कि टेलीफोटो नहीं हो तो चल जाता, हम थोड़ा पास में चले जाएंगे, लेकिन वाइड एंगल एक चीज की चाहिए होती है बहुत सारी जगह पे, क्लोज एनवायरमेंट्स में। सो यस गाइस, रिकमेंडेड फोन, आप ले सकते हो। सो आई होप गाइस इन साइज जो आप अपने दिमाग में रखोगे उसके बाद में आप एक अच्छा फोन बाय करोगे, और इस वीडियो ने आपकी उस मामले में कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। अभी के लिए गुड बाय।